नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक प्रेस की जो ड्राइंग होती है उसको हम कैसे पढ़ें। ये जो मेरे पास एक ड्राइंग आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, दोस्तों ये जो ड्राइंग है ये मेरे को आप में से किसी एक दोस्त ने भेजा है पीडीएफ में, और ये ओरिजिनल पीडीएफ है, तो इसको मैं बड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा आपको, तो इस ये थोड़ा सा फटेगा नहीं। तो आज हम इस पे बात करेंगे, जैसे ये क्लियरिटी आ रही है इसमें, ऐसे क्लियर अगर ड्राइंग है तो मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो आज हम इस बात इस ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर किसी भाई को मेरा जो ये ड्राइंग है या जो ड्राइंग पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, या फॉल्ट जिसको फाइंड करने में दिक्कत होती है, वो ड्राइंग को देख करके फॉल्ट कैसे फाइंड करें, तो इस मेरे वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये वीडियो कम से कम 40 मिनट के आसपास बनने वाला है। तो मैं अगर आप लोगों के लिए 40-45 मिनट का अगर टाइम खर्च कर रहा हूँ, तो जो सीखने का इच्छुक है कम से कम वो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और ऐसे ही दो चार और अगर मेरे को ड्राइंग आप में से कोई भाई लोग अगर भेजते हैं पीडीएफ में इसी टाइप की, तो जाहिर सी बात है कि अगर 3-4 वीडियोज में इस टाइप के आपको देता हूँ ड्राइंग पे, तो अगर आप वो सारे वीडियोज मेरे देखोगे, पूरे देखोगे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी दोस्तों इसमें मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ, जैसे कि ये अभी कर्सर है, ये एक सिलेंडर इस ड्राइंग में दिखाया हुआ है। ये आपका जो है एक यहाँ पे मेन सिलेंडर हो गया, ये नीचे एक कुशन सिलेंडर होगा जिसको लोअर सिलेंडर बोला गया है इस ड्राइंग में, और इसको अपर सिलेंडर बोला गया है। ये 300 टन का ड्राइंग है, ठीक है। ये एक चाइना कंपनी का एक प्रेस मशीन का ड्राइंग है। तो कुछ सिंबल आपको देखने में थोड़े से अलग लगेंगे इंडियन से, या यूं कहें कि जो अपनी हिंदुस्तान कंपनी की है, एचएमटी की है, या इलेक्ट्रोन्यूमेटिक की है, या बराणी की है, तो उन सभी की जो हाइड्रोलिक प्रेसेस है उनके सिंबल, और ये चाइना का जो मैं अभी सिंबल आपको जो बताऊंगा, ड्राइंग बताऊंगा, इसके सिंबल थोड़े से डिफरेंट है, हल्का सा देखने में डिफरेंट है, बट वर्क वही है, समझने की ज़रूरत है, वैसा ही लगभग मिलता जुलता है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं कि इस वीडियो को आप इसी आशा के साथ कि पूरा देखेंगे, और पूरा देखने के बाद आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे और एक दूसरे शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो मेरे को, जिन भाइयों को अच्छा लगा है और कोई कमी रही है, तो वो ड्राइंग मेरे को पीडीएफ, दूसरी ड्राइंग कोई किसी के पास है वो भेज सकते हैं। और खासकर अगर छोटा ड्राइंग भेजेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, बट पैटर्न यही रहेगा, ताकि आप लोग बड़ी ड्राइंग भी समझ सको, छोटी समझ लोगे तो बड़ी भी समझ सकते। तो चलिए दोस्तों, ये दो सिलेंडर की ड्राइंग है, अपर एंड लोअर, जिसको हम कुशन सिलेंडर और मेन सिलेंडर की बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, इसमें जूम करके हम जाएंगे मेन, क्या कहाँ से शुरू करते हैं ड्राइंग को पढ़ना। दोस्तों, इस ड्राइंग को जो आप पढ़ना शुरू करोगे, हमेशा देखिए कि सबसे पहले आप नीचे से शुरू करते हैं, पंप की तरफ से। देखिए दोस्तों, इसमें अभी टैंक है, ये जो आपका एक टैंक का सिंबल दिया है, यहाँ पे एक आपका वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, या यूं कहे कि आपका जो एक स्वास प्लेट टाइप पंप होता है वो वाला पंप इसमें दिया है, ठीक है। ये जो इसकी एक्स लाइन दी हुई है, इससे आपको मालूम चल जाता है कि ये जो आपका है स्वास प्लेट टाइप पंप है, जो एक्स लाइन से आकर के इसका फ्लो जो है, जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा फ्लो को कम करता जाएगा। जब आपका पूरा प्रेशर इस पंप की कैपेसिटी के बराबर प्रेशर मिल जाएगा, तो उसके बाद ये फ्लो अपना जीरो कर देता है। जैसे आपका प्रेशर कम होने लगता है, ये फ्लो बढ़ा देता है। तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोल देते हैं, क्योंकि ये हर सेकंड अपना फ्लो जो है चेंज करता रहता है, एज पर प्रेशर, प्रेशर जैसे जैसे चेंज होगा ये अपना फ्लो, प्रेशर बढ़ेगा ये फ्लो कम करेगा, प्रेशर कम होगा आपका फ्लो ज़्यादा होगा, ये चेंज करता रहेगा। तो इसके साथ एक ये मोटर लगी हुई है, मोटर का सिंबल दिया है दोस्तों, ये बीच में बेल हाउसिंग का दिया हुआ है। अब दोस्तों, ये तो हो गया आपका मेन पंप का, इसके साथ ही दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक पंप का सिंबल दिया है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपका हीट एक्सचेंजर का सिंबल दिया है, और ये यहाँ पे फिल्टर का दिया है, रिटर्न लाइन फिल्टर का, ठीक है। अगर रिटर्न लाइन फिल्टर आपका चौक होता है तो यहाँ पे बाईपास लाइन दी, इसमें एक एनआरबी का सिंबल मिस है, ठीक है, वो भी इसमें होना चाहिए था जो कि नहीं है, क्योंकि अगर फिल्टर डायरेक्ट बिना एनआरबी के आप दोगे तो आपका ऑयल जो यहीं से आएगा फिल्टर में से नहीं जाएगा, इसलिए एनआरबी होनी चाहिए थी, या नॉन रिटर्न वाल या चेक वाल जिसको हम बोलते हैं।
और इसके साथ एक मोटर का सिंबल मिस है, क्योंकि इस पंप को आपको रन करने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि इन्होंने फिजिकली देखने पे जो मशीन है चाइना की, उसको अगर फिजिकली आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसी मोटर के साथ ये पंप जो है दूसरी तरफ, एक तरफ ये पंप लगाया है मोटर के और एक तरफ ये लगाया है, ठीक है। टू साइड जो साफ्ट रहती है दोनों तरफ ये पंप दोनों लगे हुए हैं एक ही मोटर पे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्पेशल दूसरी मोटर का सिंबल नहीं दिया है, या हो सकता है मिस किया हो इन्होंने ड्रॉइंग में, दोनों में से एक केस है। तो दोस्तों अभी इनके जो ये जो सिंबल दिए हैं DG-32, ये क्या रहता है और ये क्या रहता है PDG-20। दोस्तों ये एक कोड नंबर डाला है चाइना ने, ठीक है। और कोड नंबर इसलिए डाला है कि आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप बोलोगे जी कि मेरा पंप खराब हो गया, कौन सा हो गया जी, DG-32 वाला। तो चाइना वाले क्या करते हैं, या चाइना के मशीन का जो डीलर होता है उसको आप ये बताओगे तो वो क्या करता है, चाइना से संपर्क करके या जो मैन्युफैक्चरर है उससे संपर्क करके और उससे पूछता है, तो वो यही पार्ट आपको सप्लाई करता है। इसलिए ये एक कोड नंबर डालते हैं वो, अलग अलग कंपनियां अपना अलग अलग कोड डालती है। कुछ कंपनियां क्या करती है, सारे कोड का विवरण जो है मैनुअल में दे देती है, जो एक बुक आती है हाइड्रोलिक प्रेस के साथ या किसी भी हाइड्रोलिक मशीन के साथ, उस बुक में जो है ये एक जो है उसके अंदर लिखा होता है, तो उससे आपको मालूम चल जाता है। आप लोकल में परचेज कर सकते हैं, और अगर अदर कंट्रीज की है तो आपको वहां से मैनुफैक्चर से आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपने पंप सेक्शन को देख लिया है कि पंप सेक्शन में जो है ये यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या था। अभी दोस्तों हम अगर बात करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी ये पंप अगर ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, पंप ऑन होगा, पंप ऑन होते ही यहाँ से ऑयल जो आपका ड्रेन करेगा, यानी यहाँ से उठाएगा और इस लाइन से नीचे आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, पंप अगर तेल चालू करते सीधा टैंक में वापस गिरा रहा है, मतलब अनलोडिंग कंडीशन में, अब अपने को पंप को लोड करना है। लोड करने के लिए क्या दिया है यहाँ पे, ये सर्किट दिया है, बस आपको ये सर्किट पे वर्क करना है। इस सर्किट की अगर बात करेंगे तो क्या है, YV1 Y21, ठीक है ना। YV1 और Y21 क्या है, एक वाल के दो क्वाइल जिसके ऊपर YV1 और Y2 इन्होंने जो है सिंबल डाला है। अभी ये कैसे काम करेगा, इसमें दो रिलीफ वाल दिया है, जो एक 80 केजी प्रेशर बनाएगा, एक 250 केजी बनाएगा। कैसे, 8 एमपीएम इंच 80 केजी, यानी 1 एमपीएम में 10 केजी प्रेशर होता है, 25 एमपीएम इंच 250 केजी प्रेशर होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आपका यहाँ पे 80 केजी का हो गया, ये 250 केजी का, अब ये कैसे वर्क करेगा और कैसे ये डायरेक्ट इसमें तेल आ रहा है, अपने को आपको यही समझना है कि लोडिंग के लिए क्या करना है, अनलोडिंग के लिए क्या होता है। अनलोडिंग के लिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें पपेट है, ये ओरिपीस लगा है, एक ये ओरिपीस का सिंबल दिया है, ये स्प्रिंग दिया है इसमें, ये कार्टेज लॉजिक वाल है। अब इसके अंदर से जो एक ओरिपीस लगा हुआ पपेट है उसके अंदर 1 mm 0.8 mm का होल है, तो उसके अंदर से एक पायलट प्रेशर निकल रहा है। पायलट प्रेशर क्या कर रहा है, यहाँ से आ रहा है सीधा, और इस जो आपका सेंटर ओपन डायरेक्शन कंट्रोल वाला, इसके अंदर से होकर के ऐसे, और ये यहाँ से आके टैंक में वापस आ जा रहा है। जब तक ये पायलट प्रेशर आप कंट्रोल नहीं करोगे, तो पायलट प्रेशर अगर यहाँ पे जनरेट नहीं होगा तो पपेट बंद नहीं होगा, पपेट बंद नहीं होगा तो आपका जो है पंप लोड में नहीं आएगा। लोड मीन्स आपका मेन लाइन में प्रेशर जनरेट नहीं होगा, या मेन लाइन में आपका फ्लो नहीं जाएगा, यहीं से यहीं आपका गिरता रहेगा। तो अभी दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि ये जो आपका ये वाला, आपको जब 80 के जी प्रेशर अपने को चाहिए उस टाइम हम क्या करने वाले हैं, इसको ऑन कर देंगे, यानी YV1 को आप ऑन कर दोगे। जब 80 के जी प्रेशर आपका बनेगा तो कैसे बनेगा, जो यहाँ से जो आ रहा है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा P2A, ये वाला पोजीशन जो है बीच में आके बैठ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब ये बीच में आके बैठेगा तो क्या होगा कि ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और इसके ये वाली लाइन जो है B2 इसमें कनेक्ट हो जाएगी। जब इसमें कनेक्ट होगी और ये लाइन आपकी इसके साथ कनेक्ट होगी और ये यहाँ जा रहा है सीधा, तो क्योंकि और तो लाइन है ही नहीं कुछ, P2A कनेक्ट हो गई, ठीक है, P2A कनेक्ट, ठीक है, और ये वाली आपकी यहाँ कनेक्ट हो गई। अब क्या होना है, P2A इधर आकर के मिली हुई है और ये वाली यहाँ मिली हुई है, यानी ये दोनों लाइन आपस में मिली हुई है, ठीक है। तो जितना आपने प्रेशर सेट किया है उतना प्रेशर क्या होगा आपका, यहाँ से जनरेट करके और इसको जो है 80 केजी यहाँ पे छोड़ेगा और 80 केजी के हिसाब से आपका पपेट लॉक हो जाएगा, बाकी यहाँ से ड्रेन करेगा
लेकिन 80 kg प्रेशर आएगा तब तक आपका लॉक रहेगा, फिर थोड़ा सा खुल जाएगा और यहाँ से ड्रेन करेगा और यहाँ आपको 80 kg प्रेशर बना के देगा इस लाइन। जैसे फ्लो कम होगा फिर ये बंद होता रहेगा, तो ऐसे ही अपना काम करेगा। और जब आपको 250 kg चाहिए तो आप इस साइड का ऑन कर दोगे, इस साइड का ऑन कर दोगे तो यहाँ से आपको 250 kg प्रेशर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली पी जो है बी में मिल जाएगी और ए जो है टी में मिल जाएगी। जब पी बी में मिलेगी, बी क्लोज है, तो सारा का सारा यहीं पे चौक हो जाएगा और ये पूरा बंद हो जाएगा, फुल्ली बंद हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया लोडिंग अनलोडिंग सर्किट। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, अब दोस्तों इसके बाद अपने को चलना है कुशन, आपको कैसे काम करना है। देखिए अभी लोडिंग अनलोडिंग होने के बाद आपको क्या देखना है, इस सिलेंडर को ऑपरेट करना है, इस सिलेंडर को आपको अप डाउन करना है। जब आप इस सिलेंडर को अप डाउन करोगे तो क्या होगा, सपोज करो आपको अप करना है तो इस लाइन में रिवर्स में चलिए, आप इस लाइन को पकड़िए और यहाँ आइए, ठीक है। यहाँ पे एक गेज दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट है और ये लाइन जो आपकी है प्रेशर लाइन है ये वाली, ठीक है। अब ये आपकी प्रेशर लाइन है, ये यहाँ पे सीधा आप एक बार इधर देखिए कि ये यहाँ पे कनेक्ट है। तो जब आपका ये वाल खुलेगा तो यहाँ पे आपका ऑयल जाएगा। अभी नॉर्मली क्या हो रहा है, ये वाल बंद है। क्यों बंद है और कैसे बंद है मैं वो आपको बताऊं। ये YV10 जो वाल है ये कैसे बंद है, ये आपका यहाँ से आएगा, इधर से आएगा, इधर से ऑयल आएगा और ऐसे आकर के शटल वाल को इधर रखा, ये शटल वाल का सिंबल है, ये फिर ओरी पीस में से होकर के और कार्टेज लॉजिक वाल को पपेट को क्लोज कर दिया। तो यानी YV10 के अंदर से ये एक पायलट लाइन आपकी आ गई मेन लाइन में से और इस वाल को बंद करके रखे हुए। अब अपने को करना क्या है, इसके पीछे का जो प्रेशर जो बना के रखा हुआ है, इस प्रेशर को अगर हम बंद कर दें तो क्या होगा, जब आपका ये प्रेशर बंद हो जाएगा तो आपका ये वाल खुल जाएगा और ये वाल खुल जाएगा तो क्या होगा, यहां से आकर के और ये आपका ऊपर उठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये ऊपर उठेगा तो इसमें क्या करना होगा, अपने को ये दो पोजिशन वाला सिंगल कॉयल लगा हुआ है, YV10 जो कॉयल है ये जब ऑन होगी इसमें पावर आएगी तो क्या होगा, ये सिंबल यहाँ बैठ जाएगा, ये सिंबल यहाँ बैठेगा तो P2B हो जाएगा और A2T हो जाएगा। A2T होगा तो मेन क्या होगा, इसके पीछे का प्रेशर जो है A2T टैंक में आ जाएगा, ठीक है। और P2B होगा तो बी लाइन कहीं नहीं मिली हुई तो रुक जाएगा, ये वाला प्रेशर अलग ही रुका रहेगा, ठीक है, एक जगह रुक के प्रेशर जनरेट करके बैठ जाएगा। और ये वाला जो इसके बैक साइड का प्रेशर है ये आपका रिलीज हो जाएगा, टैंक रिलीज हो गया तो ये ओपन हो जाएगा पपेट और यहाँ से ये सीधा फ्लो देगा। अब ये फ्लो देगा तो क्या होगा, इस लाइन से ऊपर की तरफ का तेल निकालना है। अब ऊपर की तरफ का तेल निकालोगे तो जैसे ये बनता वैसे ये सिंबल भी बनता है यहाँ से आकर, ठीक है। तो अब ऊपर की तरफ ऑयल निकालेगा तो इधर तो जाएगा नहीं वो ऑयल, वो कहाँ निकलेगा, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद क्या होने वाला है, ये वाल है, इस वाल के अंदर सेम जैसा आपका लोडिंग अनलोडिंग वाला वाल था सेम वही कार्टेज वाल यहाँ डाला हुआ है। अब इस वाल के अंदर से ओरिफिस में से ऑयल होकर के और आपका कहाँ जा रहा है, इधर देखिए, इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे जाकर के इस वाल के अंदर टैंक में गिर रहा है, ठीक है। अब जब तक ये टैंक में गिरता रहेगा तब तक ये वाल खुला रहेगा। अब ये वाल खुला रहेगा आपका तो क्या होगा, यहाँ से ये टैंक लाइन है, ये देखिए मेरा कर्सर है, मैं डाउन कर रहा हूँ, ये देखिए ये सीधा कहाँ आ गया, टैंक में आ गया, देखिए ये टैंक में आ गई लाइन। अभी टैंक में पहुँच गई तो जो आपका ऑयल इस साइड से निकला था वो टैंक में आ जाएगा। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, इस सिलेंडर को हमने ऊपर तो उठा दिया, अब डाउन करना है। डाउन करना है तो आपको क्या करना है, YV9 को ऑन करना है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से आकर के इस वाल को DG16 करके या C7 जो कार्टेज वाल है C7 के नाम से डाला है इन्होंने, ये आपका जो है अभी क्या है ऑफ बोलेंगे या इसको शट बोलेंगे, यानी बंद है ये, ठीक है। और जो DG16 करके डाला हुआ है ये आपकी पाइपलाइन है, DG16 जो आपकी पाइपलाइन है और C7 जो है आपका कार्टेज लॉजिक वाल कंट्रोल वाल है, ठीक है। अब इसको जैसे आप ऑन करोगे सेम जो इस वाल में हुआ था सेम इसमें हो जाएगा, यानी आपका P2B मिल जाएगा और A2T। जब A2T मिलेगा तो क्या होगा, इसके पीछे का टैंक लाइन में प्रेशर रिलीज होगा, ये ओपन हो जाएगी, ओपन होगी तो मेन प्रेशर लाइन में से आपका ऑयल जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये सिलेंडर डाउन जाएगा। और जब ये आपका सिलेंडर डाउन जाएगा तो क्या होगा कि इसका ऑयल निकलेगा डाउन का, डाउन साइड का ऑयल निकलेगा तो वो क्या करने वाला है, यहाँ से आएगा क्योंकि ये तो आपका बंद है, तो यहाँ से पहुँचेगा यहाँ, सेम जो ऊपर हो रहा था वो इसके अंदर से निकलेगा और इसके अंदर से निकल के और जो आपने सेट किया है मींस जो आपने सेट किया है उसी फ्लो से आपका यहाँ से ड्रेन कर जाएगा, ठीक है। इस वाले वाल में से आपका ड्रेन करेगा दोस्तों, ये आपका जो है यहाँ से ड्रेन करेगा, तो मींस क्या हो गया कि आपका ये ऑयल जो है ये पपेट खुलेगा और आपका यहाँ हो जाएगा। अब आपको इसको फास्ट डाउन करना है तो इसको ज़्यादा खोल दीजिए, स्लो डाउन करना है तो आप इसको कम खोल दीजिए। तो ये आपका 5 से 25
मीन्स 50 से 250 केजी तक आप सेट कर सकते हैं, ऐसा इसमें डाल के रखा हुआ है। यहाँ भी देखिए दोनों रिलीफ वाल का सेम रेटिंग है। तो अब दोस्तों ये तो होगी आपकी कुशन को अप डाउन करने की पोजिशन, कि कुशन को कैसे अप डाउन करना। अब दोस्तों इससे आगे अगर हम बात करते हैं, तो आपने ये देख लिया कि कुशन को अप डाउन कैसे करना है, ये पूरा सर्किट आपने यहाँ तक देख लिया है। अब दोस्तों हम जाने वाले हैं ऊपर, यानी ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या दिखने वाला है हमें, मैं आपको मेन सिलेंडर पे लेके जाता हूँ। देखिए ये आपका मेन सिलेंडर हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था रिवर्स में, वैसे इस सिलेंडर को आप देखोगे कि आपको क्या करना है। ये मेन सिलेंडर है, इसमें एक लाइन ये जुड़ी है, एक ये जुड़ी हुई है, एक ये जुड़ी हुई है और एक ये जुड़ी है। देखिए एक सिलेंडर पे चार लाइन है। एक लाइन क्या कर रही है, आपका प्रीपिल कम क्विक एग्जस्ट वाल लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसको ऑपरेट करने के लिए पायलट लाइन है, यानी ये प्रीपिल वाल लगा हुआ है, प्रीपिल कम एग्जस्ट वाल, इसको एग्जस्ट करने के लिए पायलट लाइन है, या यूं कहे कि पायलट ऑपरेटेड चेक वाल लगा हुआ है, इसके ऊपर टैंक का सिंबल है, ठीक है दोस्तों। ये सिलेंडर है। अब ये डीजी, ये ए पोर्ट, ये बी पोर्ट और ये ए पोर्ट लिखा है, और ये यहाँ पे डीजी 20 लाइन है, ये डीजी 25 और ये डीजी 20 लाइन है, ठीक है। ये यहाँ पे ई पोर्ट दिया है। तो दोस्तों ये यहाँ पे लाइन दे रखा है, और इनका जो है अभी ये कैसे वर्क करेगा, मेन हमें यहाँ पे आना है कि कैसे वर्क करेगा। अब सपोज करो दोस्तों हमें डाउन करना है, सबसे पहले हम डाउन कर लेते हैं फिर इसको ऊपर उठाएंगे। अब अगर डाउन करेंगे तो हम इस लाइन में होल्ड डालेंगे और एक इस लाइन में होल्ड डालेंगे, ठीक है, दो लाइन में होल्ड डालेंगे। तो ये स्लो और फास्ट का है, ठीक है। अब स्लो और फास्ट में हमें ऑयल डालना है, तो स्लो के लिए कौन सा काम करेगा और फास्ट के लिए कौन सा काम करेगा, देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग दिया है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए स्लो डाउन और फास्ट डाउन। स्लो डाउन में आप देखोगे तो आपका 4 नंबर है और Y3 यानी आपका 3 नंबर है, इसके बारे में बाद में डीपली बताऊंगा। अभी Y4 जो है आपका स्लो डाउन के लिए। तो अब देखिए दोस्तों आपको इस लाइन में ऑयल डालना है तो कौन सी कनेक्ट है, अगर स्लो डाउन करना है तो क्या है आपका कनेक्ट, किसके साथ है, यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब ये लाइन जो है मेन लाइन से आई है, देखिए ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन से आकर के इस वाल के अंदर से आकर यहाँ से ऐसे ऑयल जाएगा तो आपका स्लो डाउन चलेगा, ठीक है। ये आपकी लाइन बंद है, ये वाला वाल बंद है, और ये आपने अगर खोल दिया तो आपका स्लो डाउन लग जाएगा, ये खोल दिया तो आपका फास्ट लग जाएगा। अब ये कैसे खुलेगा इसकी बात करेंगे हम। YV4 जो इसको ओपन क्लोज करने के लिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल लगाया हुआ है, पीछे शटल वाल है, सेम जो नीचे दिखाया मैंने वही सब सिंबल इसमें है। अगर आपने नीचे वाले सिलेंडर के सिंबल पढ़ लिए तो ये भी इजीली पढ़ लोगे। अब दोस्तों इसमें क्या होने वाला है कि अगर आपका ये पायलट प्रेशर यहाँ आकर के और ऐसे आकर के और इसको लॉक किए हुए हैं, अब आप क्या करोगे, इसको जैसे ही ऑन करोगे ये चेंज हो जाएगा, इसके पीछे का ऑयल जो है A2T हो जाएगा और टैंक में ड्रेन हो जाएगा, ये खुल जाएगा, यहाँ से ऑयल आएगा और यहाँ से आकर के और इसको स्लो डाउन करेगा, ठीक। अब अगर आपको फास्ट डाउन करना है, क्योंकि हम पहले फास्ट करते हैं तो ये वाला ओपन करेंगे, ये आप फास्ट करोगे तो क्या करना है, इसको बंद रखना है, इसको आपको खोलना है, इसको खोलोगे तो क्या होगा आपको P2A यानी मीन्स ये वाला आपका P2A है अभी, और ये A2T हो जाएगा तो ये इसके पीछे का ड्रेन कर जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बताया सेम वही कंडीशन है, यहाँ से प्रेशर लाइन आई है और ये यहाँ से ऐसे आकर के और इसमें यहाँ पे आकर इसको यहाँ पे लॉक कर दिए, ठीक है। अब अगर इसके पीछे का ऑयल ड्रेन हो जाए तो क्या होगा, ये खुल जाएगा, खुल जाएगा तो यहाँ से ऑयल जाएगा, यहाँ से ऑयल जाके और ऐसे जाके और इसको यहाँ फास्ट डाउन करेगा। जब फास्ट डाउन करता है दोस्तों तो क्या होता है कि ये भी आपका खुलता है और ऊपर से भी शक कर लेता है, ऊपर जो टैंक में ऑयल होता है वो भी इसमें भर जाता है। फास्ट डाउन जब रुक जाता है तो स्लो डाउन में ये वाल अपने आप बंद हो जाता है, बाई ग्रेविटी खुलता है और अपने आप बंद हो जाता है स्लो डाउन लगने से। तो अब दोस्तों क्या होता है कि ये तो आपका फास्ट डाउन और स्लो डाउन में यहाँ से ऑयल डालना है, ये आपको समझ में आ गया इस वाले फंक्शन का और इस वाले। अब दोस्तों इसके आगे का ऑयल निकलना भी चाहिए। अब आगे का ऑयल आप निकालोगे बी पोर्ट का डीजी 25 लाइन से तो वो ऑयल यहाँ आएगा। अब आपका ये इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे निकालते टाइम, जब डाउन आ रहा है ये बंद ही रहेगा आपका, बट ये आपका यहाँ कनेक्ट हो। अब ये जो सर्किट दिया है ये वाला, ये वहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये टैंक लाइन है पूरी, मैंने आपको पहले भी दिखाई दी, एक बार और दिखा रहा हूँ, ये देखिए टैंक लाइन पूरा सीधा टैंक में जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप इस वाल को ओपन करते हो तो आपका जो ऊपर से आएगा ऑयल
इसको दबाएगा तो जो इसके इस फ्रंट साइड में जो ऑयल है वो यहाँ से निकल के यहाँ से यहाँ ड्रेन करेगा। इसको खोलने के लिए क्या किया है, दो दिया है, एक स्लो डाउन में खुलेगा एक फास्ट डाउन में खुलेगा। देखिए YV8 और YV7, देखिए अब आपको यहाँ पे एक सिंबल इन्होंने दिया है YV7 और 8। देखिए फास्ट डाउन में कौन सा खुल रहा है, VY7, और स्लो डाउन में कौन सा खुल रहा है, VY8। अब VY8 VY7 जब आपका स्लो डाउन फास्ट डाउन में खुलेगा तो आपका ये वाला रिलीफ वाल काम करेगा, ठीक है, और स्लो डाउन करना होगा तो आपका ये वाला करेगा। तो इसमें सेम जो लोडिंग अनलोडिंग था वही सब सर्किट है, केवल इसमें चेक ये क्लोज सेंटर जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल लगा दिया है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर से जो आ रहा है ऑयल वो पायलट प्रेशर का बनाने का काम कर रहा है, अभी बंद है, लेकिन जैसे ही ये आपका ऑन होगा, ये ऑन होगा तो आपका टैंक लाइन में कनेक्ट हो जाती है लाइन। कैसे, यहाँ से होगा, ये ऑन हुआ तो P2A हो गया, P2A होगा तो ये यहाँ पहुँचेगी लाइन, यहाँ पहुँच के और क्या करने वाली है, ये यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन थी ये आपकी होगी B2T, ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ये ऊपर वाला सिम यहाँ आएगा तो ये P2A हो गई, यहीं में मिल गई वापस, पी में पी और ए दोनों एक हो गया, और टी और बी हो गया, टी और बी हो गया, तो क्या होगा, ये वाला जो ऑयल था इसके पीछे का ये टैंक में मिल गया, यहाँ पे टैंक लाइन है, देखिए टैंक लाइन में मिलेगा तो ये वाला रिलीफ वाल काम करेगा जब ये वाला खोलोगे तो। और जब YV7 खोलने वाले हो तो कैसे होगा कि ये क्रॉस हो जाएगा, यानी पी जो है बी में मिल जाएगा, जब पी बी में मिलेगा तो क्या होगा, जो ये प्रेशर आ रहा था ये बी लाइन में मिलके और इसमें यहाँ आके रुक जाएगा, और जो ये वाला है ये टैंक में मिल जाएगा। तो अब ये टैंक में मिलेगा तो क्या होगा, ये तो आपका प्रेशर में मिल जाएगा, तो ये सारा का सारा प्रेशर यहाँ से आकर के और टैंक में यहाँ ड्रेन कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो आपको सेट करना होता है, ये दोनों वाल लगे हुए हैं, इससे आप सेट कर सकते हो किस हिसाब से आपको इसको कितना स्लो डाउन करना है और कितना आपको फास्ट करना है, तो सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। और स्लो डाउन के लिए आपको ये दो वाल दिए हैं, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि दोनों खोल दोगे तो फास्ट हो जाएगा नहीं तो स्लो हो जाएगा। तो ये तो हो गया जी डाउन का। अब आप करना है तो हमें क्या करना है, इस लाइन में ऑयल देना है, DG25 में आपको ऑयल देना है, ठीक है। अब ये आपका बंद है और आपको ये YV6 ऑन कर दोगे तो क्या होगा, इसके पीछे का जो है A2T होकर टैंक में चला जाएगा, ये वाल खुल जाएगा और यहाँ पे ऑयल जो है सीधा इसमें भरेगा, इसमें भरेगा तो ये ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, ऊपर से ऑयल निकालना भी है, तो हमें क्या करना है कि क्विक एग्जस्ट में से निकाल देना है। को कैसे निकालते हैं, ये पायलट लाइन में मेन लाइन में से एक पायलट लाइन हमने निकाला है और ये अभी क्लोज है ऊपर, लेकिन जैसे ये YV5 को ऑन करोगे तो क्या होगा, बी और पी मिल जाएगी, ए और टी मिल जाएगी। जब बी और पी मिलेगी, पी बी लाइन में से होकर के सीधा इसको खोल देगा चेक वाल, चेक वाल खुलेगा तो ये टैंक में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी निकालना चाहो तो यहाँ से भी आप देखोगे कि ये वाली लाइन में से जो ऑयल आएगा वो यहाँ से आकर के इस लाइन में यहाँ पे निकलेगा, देखिए जैसे मैंने बताया इस सर्किट में से आएगा और ये आकर के आपका देखिए ये टैंक में जा रहा है। नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में जब आपको कुछ भी ऑन नहीं करना, सीधा इसके अंदर से जाएगा, ठीक है, ये टैंक में जाएगा इसके पीछे का, तो ये वाल जो है खुल जाता है, खुल जाता है तो ये यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो आपका ड्रेन करना है थोड़ा बहुत यहाँ से भी आपको वो मिलेगा हेल्प इसको खोलने का, और ये खोल के आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इस लाइन में से भी फास्ट निकलेगा, जो दोनों लाइनों का ऑयल है वो निकल जाता है इसमें से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो सर्किट था कि आपको कैसे डाउन करना है, क्योंकि एग्जस्ट खोल देना है जाते टाइम और नीचे आते टाइम आपको ये वाला सर्किट खोल देना है। जो इससे नीचे का जो सर्किट है, जो यहाँ से नीचे का जो सर्किट है, ये सारा ड्रेन का लाइन, ये सब ड्रेन का, ये जो नीचे आप जा रहे हैं इस साइड का जो है आपका इधर इधर इस लाइन से, इस वाली मेन लाइन से इधर इधर का सर्किट डाउन ड्रेन का हो गया, और इधर का आपका जो है सिलेंडर को ऑपरेट करने का हो गया, और ये इतना सिलेंडर जो दिया है ये वाला वाल और ये वाला, ये भी आपका सिलेंडर को ऑपरेट करने का हो गया। तो दोस्तों अगर ये ड्राइंग आप लोगों को समझ में आया होगा, अब क्या करती है अच्छी कुछ कंपनियाँ होती है वो ये सर्किट देती है साथ, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करोगे, जैसे सपोज करिए आपका अपर सिलेंडर फास्ट डाउन, यानी ऊपर वाला जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे थे वो अगर फास्ट डाउन नहीं आ रहा है तो आपको तीन वाल चेक करनी पड़ेगी, YV1, YV3 और YV7। अब ये तीनों जो वाल है 3, 7 और 1 कहाँ कहाँ पे है, देखिए YV3 ठीक है, और YV7 देखिए कहाँ पे होगा, देखिए ये वाला YV7 और यहाँ पे देखेंगे आप ये YV1,
ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऐसे। अब अगर आप इसको देखोगे ऐसे ही, आप देखोगे स्लो डाउन प्रेस राइज, स्लो डाउन के लिए आपका हो गया देखिए YV1 सब में है, कोई भी आप करोगे मैनुअल में करोगे या ऑटो में करोगे तो आपको रखना ही पड़ेगा। YV4 ऑन होना चाहिए और YV8 ऑन होना चाहिए, तो ऐसे ही आपका ये ऑन होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सर्किट देती है कंपनियां, ये इसीलिए देती है कि आपको फॉल्ट फाइंडिंग में आसानी हो जाए, तो उस टाइम ये आप कर सकते हो। तो इसमें से देख के आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपका कुछ लिमिट स्विच लगे होते हैं, जैसे ये होम पोजीशन का दिया है एक नंबर, ये स्लो डाउन का हो गया, और सॉरी ये आपका स्पीड चेंज का हो गया, और ये आपका बॉटम पोजीशन का हो गया, सेफ्टी पोजीशन का हो गया, या आपने ऊपर वाला सेफ्टी पोजीशन लिया है तो ये होम पोजीशन का हो गया, ये बॉटम का हो गया, और बीच वाला जो है स्पीड चेंज का हो गया। तो ये आपके हो गए दोस्तों लिमिट स्विच। ऐसे ही इसमें दे दिया अप और डाउन का कुशन के लिए, दो लिमिट स्विच दे दिए, या प्रॉक्सिमिटी सेंसर दे दिए, या सेंसर दे दिए, जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। तो ये अप और डाउन के जो पोजीशन डिटेक्ट करेंगे उसके लिए दे दिए। तो अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर सपोज करो आपका प्रेशर नहीं बन रहा है मेनली, तो आप कहाँ जाओगे, आपको क्या करना है, ये रिलीफ वाल्व देखना पड़ेगा, या ये देखना पड़ेगा, या आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका स्पूल जाम तो नहीं हो गया, या इसका पपेट जाम तो नहीं हो गया। इसीलिए बहुत से दोस्तों का फोन आता है तो बोलते हैं जी मेरी ये 300 टन प्रेस है, मेरे पे ऐसे 8-10 वाल्व लगे हुए हैं, तो मेरे को ऐसा बताओ जी मैं एक वाल्व सही करूँ तो तुरंत सही हो जाए। बट दोस्तों जो सीरीज में जो वाल्व आए हैं उन सभी वाल्वों को 1x1 चेक करना पड़ता है, तभी आपको हो सकता है उसमें पावर नहीं आ रही होगी, हो सकता है उसका पपेट जाम हो गया, हो सकता है डायरेक्शन कंट्रोल स्टक हो गया, हो सकता है आपका रिलीफ वाल्व जाम हो गया, या हो सकता है उसका स्प्रिंग टूट गया हो, या ओरिफिस में कचरा आ गया हो। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, ये चीज़ें आपको देखनी होती है एज पर ड्रॉइंग। तो जिसको ड्रॉइंग पढ़नी आ गई वो उस ड्रॉइंग में कौन सा वाल उस लाइन में लगा हुआ है, कौन सा उस लाइन के अंदर वाल कनेक्ट है, इस लाइन में कौन सा कनेक्ट है, इस लाइन में कौन सा कनेक्ट है, उस वाल को नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। अभी आप बोलोगे जी हमें कैसे मालूम चलेगा नंबर का, तो जो मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि ये यहाँ पे नंबर डाले हुए हैं, यही नंबर आप देखोगे यहाँ पे डाले हुए हैं YV4, देखिए यहाँ पे डाला हुआ, आपको मालूम है स्लो डाउन के लिए ऑन होना जरूरी है YV4, तो होना जरूरी है, ठीक है। तो या शटल वाला आपका खराब हो गया है, इसके इस सर्किट में जो आपका मिलेगा इस, ये पूरा सर्किट एक कहलाता है, इस पूरे सर्किट को आपको चेक करना होता है। ये अंदर होता है मैनिफोल्ड के, ये उसके बाद होता है, ये उसके बाद होता है, तो ये पूरा आपको चेक करना होता है, उसी के हिसाब से आपको मालूम चलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो ड्राइंग था मेरा, कि आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आया है ये ड्राइंग, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और किसी भाई को और जानकारी लेनी है इसी टाइप का कोई अगर ड्राइंग है, छोटी ड्राइंग है इसी टाइप की, वो मेरे को भेजिए, PDF में भेजिए, ताकि उसको मैं अगर जूम करूँ तो वो क्लियर आए, तो मैं वो उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर जिस भाई ने ये पूरा वीडियो देखा होगा, मुझे विश्वास है कि आपको 90% इस ड्राइंग में क्लियर हो गया होगा, और अगर एक दो ड्राइंग आपके पास है तो वो भी आप भेजोगे तो मैं उसमें भी एक दो वीडियो और बनाऊंगा, तो क्लियर आपको समझ में आएगा। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद।